आज मुझे सामान किस तरफ लेके जाना चाहिए? पहले मैं करता हूँ वेट के हिसाब से, जो कि इससे ये होगा कि ना मुझे ना हर दफ़ा ढूंढने के लिए इजी रहेगा। ये हो चुका है मेरा। इसके बाद कौन से वाला? ओके, ट्रांसफार्मर है और नहीं, अच्छा ही लग रहा है। मैं सोचता हूँ आज कारें देख चलते हैं, कार्स के अंदर क्या क्या आ जाती है चीज़ें। ये क्या? स्क्रैप्ड कार, वाओ। ओके, वैसे आज तक वैसे मैं ये लेके नहीं गया हूँ। गाड़ियों के टायर, गाड़ियों की चीज़ें, ओ थोड़ा वाला स्क्रैप भी है, वाओ। मुझे लगा वो बस उतना ही होगा। ये रही हमारी गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ इसके अलावा और गाड़ियाँ हैं? उसके अलावा ये स्टाइल है, ठीक है। उसके अलावा ये गाड़ियाँ हैं, ओ इस टाइप की भी गाड़ियाँ हैं, 70 कार 70। अब ये क्या है मुझे नहीं पता। अगर मुझे ज़्यादा कार्स लेके जाने तो वो है ये 10T कार्स। तो 10T को ढूंढते हैं अपनी क्विक के अंदर, जो कि हमारी रेंज के अंदर हो, जितना हमने सफ़र करना है। तो उतने सफ़र के लिए मुझे कार ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं रूट के लिहाज से चेक करता हूँ, कम रूट वाली यहाँ पे आएगी। तो ये तो 800 है, यहाँ पे मुझे 10T ढूंढनी है। अगर मैं कार लेके जाता हूँ 10T, तो वो कम से कम फासला 642 किलोमीटर है। मुझे लगता है कुछ और ढूंढना चाहिए। सोच रहा हूँ अभी, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं मुझे चाहिए कम फासला, तो उस लिहाज से मुझे मिली है ये वाली गाड़ी, जो कि ये कार 90। तो रूट के लिहाज से 90 सबसे पहले नंबर पे ही है। तो क्विक के अंदर भी सेम टू सेम यही होगा कि पहले रूट के लिहाज से कार पहले नंबर पे ही होगी। ये रही 90, जो कि ये देखो, मुझे अपना ट्रक नहीं लेके जाना पड़ेगा, तो मैं इसी को पकड़ने वाला हूँ। और इस वक्त 10:50 होने वाले हैं, तो इसी को ही पकड़ते हैं। ओके, हम अपने ट्रक में आ गए हैं, गियर मैंने लगा दिया है, और बाहर से देखते हैं क्या सीन है। साथ इसके और भी है खड़ी हुई। निकलते हैं यहाँ से। साउंड ठीक ही है, चलो इसको अब चलाते हैं। कोई याद नहीं, रास्ता में तो नहीं कोई है। ओके, इसको फुल मोड़ सकता हूँ मैं अब, यहाँ कोई भी नहीं है। चलो, ओ पीछे ना टकरा जाए। नहीं ठीक है, आगे से ट्रक भी आ रहा है। और राइट, अंदर बैठते हैं। अभी भी गियर नहीं मांग रहा है ये। हमारा सफ़र है 250 रह गया है। अभी तो हमने स्टार्ट किया था, 250 वाला ही हमने लिया था। ओके, अब गियर लगा सकते हैं। 56 स्पीड में रख सकता हूँ, मुझे ये याद रखना है बस। ठीक है, यही गेरी ठीक है मेरे लिए। तो आगे इशारे आ रहे हैं, मेरे जाने तक खुल ही जाए। नहीं, मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी। ओ ज़्यादा ब्रेक लग गई है, ओ खुल गया। इससे पहले पहले के बंद हो जाए, मुझे निकलना है यहाँ से। पक्की बात, इशारा बंद होने वाला है। बच गया मैं, अभी मुझसे गेयर सही नहीं लगते। पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपना हमारा अपना ट्रक नहीं है।
और ना सोने की जरूरत पड़ती है। लगा ही लूँ गियर में अगला, उससे अगला गियर मैंने यहाँ रख लिया हुआ है इस अंगूठे के नीचे। यार बहुत जल्दी ब्रेक लग जाती है इस ट्रक की। प्लीज़ ओके, मुझे वापस ही मुड़ना पड़ेगा, पर जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा रहता हूँ। इससे पहले कि चलान पड़ जाए, हिलने में भी चलान पड़ गया तो मैं ही हिलाने वाला अपने ट्रक को। बस ठीक है, आगे को चलाऊँगा मैं। मैंने गियर पहले तीसरा लगा दिया ताकि तेज़ चले। कम ऑन शारे खुल जा। अब कोई नहीं आ रहा ना लेफ्ट ना राइट से। यार खोल दे इशारे यार। कम ऑन ओके। अगला गियर लगा ही देते हैं। मुझे लगा ये कोई क्रॉसिंग वाला रोड है, लेकिन नहीं, ठीक है, मैंने भी इशारा लगाया हुआ था। इस गियर पर रोना ना शुरू कर दे मेरा ट्रक। मैं स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, इशारा खुला हुआ, लेकिन मुझे यकीन है मेरे जहाँ तक इसने बंद हो जाना है। देखा, बहुत हैवी ब्रेक है यार मेरे ट्रक की। मुझे इशारे का डर ही लगा रहता है कि मैं स्पीड को ट्रक की तेज़ कर पाऊंगा कि नहीं। मैं पहले से इधर आ गया हूँ कि मेरी स्पीड तेज़ जाने वाली बाकी ट्रकों से। ओके, गियर लगाने का टाइम है। अगला गियर यहाँ से निकाल के मैंने दूसरी तरफ रखा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं लगाऊँ उसको, लास्ट वाला गियर जो है। ओके, स्पीड ज़्यादा होगी, मुझे पता था कि अगले गियर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं होती। जोर ही लग रहा मेरे ट्रक का, अंदर बैठते हैं, बेचारे का जोर निकल गया ट्रक का मेरे। इस जगह के साथ गियर छोटा ही कर लेते हैं।
अब मैं गियर लगा सकता हूँ अगला। अभी भी मेरे ट्रक की फटी पड़ी है, अब हो रही है स्पीड ज़्यादा। ओके अब स्पीड ज़्यादा हो रही है। अबे इतनी स्पीड क्यों तेज हो रही है, किधर जा रहा हूँ शायद। अब कम होगी, ये तो 100 से ऊपर चली गई थी। मैं वैसे ओवर स्पीड जा रहा हूँ, अब स्पीड नीचे की तरफ आ रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मुझे स्लो रखना पड़ेगा। मुझे इशारे नहीं दिख रहे अंदर बैठे हुए, तो खुल गया। रोक देते इज्जत के साथ, मुझसे ट्रक ही नहीं तेज चलता।
यार अगला फिर इशारा बंद हो रहा है। चलो करते हैं वेट। यहाँ देखते हैं क्या है सारा कुछ। ओ सोसाइटी है यहाँ पे कोई। ये क्या एयरपोर्ट है क्या? ओ एयरपोर्ट है, इस तरफ तो एयरपोर्ट है पूरा। चलो चलने वाला है। मुझे डर था कि गाड़ी कहीं नीचे ही ना आ जाए। आगे हो क्या रहा है ये तो देखे ज़रा। हमारे लिए इशारा बंद है। ओ भाई बड़ी लंबी लाइन लग गई है। खुल जा सिम सिम, खोल दो इशारा यार, उधर से तो कोई आ भी नहीं रहा। कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? फाइनली खुल गया। ये काम क्या चल रहा है यहाँ पे? भी लगे हुए हैं। और मिट्टी बुट्टी इकट्ठी की हुई है इन्होंने यार। चल अंदर बैठते हैं। हमारा सफ़र तो काफ़ी कम रह गया, सिर्फ 60 किलोमीटर रह गया। चलो बढ़ा ही देते हैं।
यहाँ कई मीटर ना हो चेक करने वाला हमारी स्पीड कितनी है, तो पड़ जाना चलान। ऑलराइट, इससे गुजर जाओ बस जल्दी से। डर था कहीं आगे से कोई आ ना जाए। ओके, हमारी आ गई है लगता है फैक्ट्री, और मतलब कार शॉप, कार शॉप होगी, क्या होगी वो चीज़ कि फैक्ट्री होगी कि उसी तरह की तो शॉप ही होगी जिस तरह हम लेके आए जिधर से। ओके, ज़्यादा ही छोटे गए हैं बाकी वाले तो। टाइम पे निकले मैं इशारे से। बिल्कुल सेम टू सेम वैसी वाली सर्विस है, ये सर्विस सेंटर है जो भी कह लो। उतार देते हैं इसको, बैक करके कह रहा है। नहीं ठीक है, मैं सीधे उतारूंगा। किधर है वो, एक मिनट। ओ गलती से बटन लग गया यार, चलो अगली दफा से ही। हो गया हमारा मिशन ये वाला 250 किलोमीटर वाला। कल देखते हैं नए वाला कौन सा मुझे करना चाहिए, हर दफा चेंज करने को मेरा दिल करता है तो एक जैसा बिल्कुल नहीं दिल करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस।